नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्लाइंट लाइव। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। इस वक्त नीतीश कुमार जहां लगातार चर्चा में रहते हैं और जहां लगातार कई बयानों पर बात करते हैं, तो उसी बीच उन्होंने बात की है लालू प्रसाद यादव की। इस वक्त जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को उनकी बेटी ने किडनी डोनेट की है और यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, तो उसी बीच उनकी सेहत को लेकर नीतीश कुमार ने यहाँ पर बताया है, उन्होंने बयान दिया है और साथ ही बताया है कि वो उनकी सेहत ठीक है और जल्द ही वो वापस लौट कर भी आने वाले हैं। और यहाँ पर यहाँ लालू प्रसाद यादव की तस्वीर भी सामने आ रही है जहाँ उनके इलाज के बाद वो बेड पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या क्या यहाँ पर नीतीश कुमार कहते हुए नजर आए, इस वीडियो में आप देखेंगे। देखिए ये वीडियो। अरे यार, संविधान के निर्माण और सदैव समाज का हर तबका याद रखता है, और हम लोगों को तो बचपन से जानकारी है, इससे उनके श्रद्धा है। और जब भी जाने का मौका मिला है तो जहाँ इनका वहाँ भी जा चुके हैं। समय तो नहीं है, अब समय तो उनके प्रति ज्यादा एक भाव है। इन्होंने इस प्रकार से इतना अच्छे ढंग से संविधान की रचना की, और सबसे बड़ी बात है कि समाज के हर तबके के उत्थान के लिए बात किया। आज सोच लीजिए कि एक गरीब तबके को कैसे पढ़ने का अवसर इनको दिया, दिलाया गया किनके द्वारा, और उसके बाद इन्होंने कितना अच्छा काम किया, तो ये सब चीज तो इतिहास का हुआ। तबियत फोन करके बात करें तो बहुत अच्छा है, ठीक है एकदम, ये तो बिल्कुल खुशी की बात है। उनका सब कुछ ठीक ढंग से हो गया है और वहाँ के डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि नहीं बहुत अच्छे, उनसे हमारी बात उनके सपनों से हुई है, तेजस्वी से भी बातचीत हुई है और पूरा सब अरे तक कौन आएगा जिसको जनता मालिक है, वो जो चाहेगी वो फैसला देगी, रिजल्ट आएगा जो आएगा। हम कभी कुछ बोलते हैं